हिमाचल मैडम। ये लीजिए। ये क्या है अंश? ये मेरा रिजाइनिंग लेटर है। इसका मतलब तुम अभी भी रिजाइन देना चाहते हो? हाँ मैडम। मैडम मुझे मालूम नहीं था कि ये जॉब मुझे मेरे टैलेंट पे नहीं बल्कि मुझे भीख में मिली है। अंश तुम मुझे अभी भी गलत समझ रहे हो। सॉरी। नहीं मैडम, सॉरी कहने की जरूरत नहीं। मुझे एक बार समझाने का मौका दो। मैं गरीब जरूर हूँ, भिखारी नहीं। मेहनत करके ना कहीं भी कमा खा लूंगा। थैंक यू सो मच अंश। अरे कुछ बताएगी? क्या खत्म हुआ, क्या हुआ? कुछ बताएगी तभी तो मैं समझूंगी ना हुआ क्या है। वो अंश। अंश? क्या हुआ अंश को? अंश आ गए आप। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये लीजिए रूम की चाबी और ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। अंश तुम अभी भी मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। वो ऑफिस में सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारते कितनी बड़ी इंसल्ट होती, बस इसीलिए मैंने। मैडम बात तमाचे की नहीं, बात सही और गलत की है। आप अच्छी तरीके से जानते थे कि गलती उसके बेटे की थी, पर आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि आपकी नौकरी चली जाती ना, क्योंकि वो अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था, इसलिए आपने गलत का साथ दिया। उसमें सही गलत क्या है अंश? वो उसका नुकसान हुआ है। ठंडे दिमाग से सोचो अंश। अगर तुम सॉरी बोल देते तो ये बात आगे बढ़ती ही नहीं। मैडम मैं ना हमेशा सही का साथ दिया। चमचा गिरी तो मेरे खून में ही नहीं है। अगर मुझसे कोई तकलीफ या गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बाय। रुक जाओ अंश, मुझे छोड़कर मत जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। मैडम पैसे की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। शीशा हो ना, टूटने की आदत। अरे रो मत यार, मैं हूं ना, बता ना क्या हुआ अंश को? उसे गलत फहमी हो गई थी, वो आए और उसके बाद वो चला गया। ओह नो, ओह माय गॉड, वो इतनी रात को कहाँ गया होगा अभी? मुझे नहीं पता, मैं गाड़ी लेकर बाहर राउंड भी मार कर आई, वो कहीं नहीं दिखा। कूल डाउन प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम शांत हो जाओ प्लीज, शांत प्लीज यार, शांत हो जाओ। हाँ बोलिए। मैडम जी ये लिफाफा लाइट बिल है। मैडम जी कोनो प्रॉब्लम है का? आप उदास दिख रही हैं, इसलिए पूछा मैडम जी। नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है। नहीं मैडम जी कोनो प्रॉब्लम है तो हमसे बोलिए। आप रुको मैं पैसे लेकर आती हूँ। ये लीजिए। मैडम जी सही बोलिएगा, अगर कोनो प्रॉब्लम होगा ना
तो हमको बताइएगा हम कौन दिन काम में आएंगे। हाँ, और मैडम जी हमारा तो सौभाग होगा कि हम आपके काम आ सके। नहीं हा? फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ होता है तो बताती हूँ। अब जाइए। जी मैडम जी, अब जाइए। ठीक है मैडम जी। पंत साहब, मैं तो दो तीन दिन आई नहीं थी काम पे। छुट्टी ली क्यों थी? शादी में गई थी। अच्छा। और वहां से आने के बाद मैं काम पे गई। ओके। कमला, ये तुम्हारी सैलरी। क्या हुआ मैडम? अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जिसे काम करो तो भी। क्या यार, आंचल, वैसे तुमने कमला को काम से क्यों निकाल दिया? अब मैं खुद से काम करूंगी, खुद को बिजी जो रखना है। जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर मैंने एक दिन सोचा, क्यों ना मैं अंश से मिलके उन दोनों को मिलाने की बात करूं, उन दोनों को समझाऊं। अंश, हुआ क्या यार, बताओगे? पिछले 10 मिनट से हम ऐसे ही खड़े हैं। अरे अंश, कुछ बोलोगे यार? अंश, तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम जब किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसे खोने का, तो उससे दूर जाने का बहुत डर रहता है। और आज आंचल के मन में भी ऐसा कुछ हो। अंश यार, अंश बता दो, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? या तो मैं उस लड़की को जाके बोल दूं कि लड़का रह लेगा तुम्हारे बिना। तुम समझाओ यार इसे, मेरा दिमाग खराब हो गया इसे समझा के। तुम्हारे कहने से आया उसे समझाने। अंश, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम आंचल से बहुत प्यार करते हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। सर, मैंने देखा आंचल कुछ दिनों से ऑफिस नहीं जा रही थी और उसके रूम से बहुत अजीब और गरीब आवाजें आती थी। मैंने रोशनी से ही पूछना चाहा, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताई। शायद कुछ मुझसे छुपा रही थी वो। और एक दिन तो सर उसके रूम से रोने की आवाज़ आ रही थी। शायद वो किसी से फोन पे बात कर रही थी। और सर, डाउट तो मुझे हुआ था, लेकिन मैं क्या करता। हाय। हाय, रोशनी कमरे में है। मिलूंगा मैं, पता है मुझे, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे बात? हाँ। देखो, अगर बात अंश को लेकर है तो सॉरी, आई कांट। अरे अंश के मैटर में कोई बात नहीं है, ऑफिस के बारे में बात करनी है। वो बॉस ने तुम्हें ये लेटर देने के लिए बोला। हाँ? सूरज? क्या था वो? कुछ नहीं, आंचल को ऑफिस से बाहर निकाल दिया और उसकी जगह किसी और को रख लिया। मैंने बहुत बार समझाया उसे, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती। ये लड़की ना बस कुछ टाइम तक गुस्सा रहेगी, प्लीज यार, उसके बाद फिर नॉर्मल। और वैसे भी इसका ये रोज रोज का हो गया। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, मैं मानती हूँ, पर ऐसे ऐसे उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। पापा, तुमसे अकेले छोड़ने को बोल कौन रहा है? और हम दोनों का क्या होगा? हमारी भी तो अपनी लाइफ है ना। हाँ बाबा, पता है मुझे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तो पता है, हम दोनों साथ में है ना, टेंशन मत लो। I love you too. You love me ना बाबा? Yeah baby, of course. एक किस दो ना? दो ना नहीं। आंचल के यहाँ से फिर तुमने दोबारा कोशिश नहीं की उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की? नहीं साहब, मैं उस बिल्डिंग में काम करती, आंचल मैडम के पास नहीं।
तुमने शादी की? करेगी ना साहब, अभी तो 5 चल रही है। क्या साहब, आप भी ना? मैं शादीशुदा हूँ साहब। हाँ, 2 बच्चे हैं साहब मेरे। सच कह रहा हूँ साहब। तो कमला के साथ में क्या कर रहा था तू? क्या साहब, आप भी ना, वो एक मस्ती थी साहब। हाँ साहब। अच्छा, फिर तूने दोबारा कभी कोशिश नहीं की आंचल के रूम में जाने की? क्या है ना साहब, मैडम जी ने जब से बोला ना कि मैं खुद बुलाऊंगी फोन करके, फिर दोबारा हमने कोशिश नहीं की साहब। हाँ, मैंने कई बार कोशिश की उसे रूम से बाहर निकालने की, बट वो तो रूम से बाहर ही नहीं निकलना चाहती थी। हर बात पे कोई ना कोई एक नया बहाना बना लेती थी। न जाने वो मुस्कुराती हुई आंचल एकदम से चुप क्यों हो गई, क्यों शांत हो गई वो बोल क्यों नहीं रही है, आज तक नहीं बोल पाई वो। फिर मैंने एक दिन सोचा, जाकर उस अंश से मिलती हूँ। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। मैं दिन रात उसके साथ रहती हूँ, मैं उसे यूं यूं घुट घुट के मरते नहीं देख सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो अंश, मुझे तो डर है कहीं तुम उसे खोना दो। खोना दो? अरे मेरे पास बचा ही क्या है खोने को, मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया। अंश, एक बार चल के उससे मिल लो, सिर्फ एक बार, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। रोशनी, तुम जानती हो कि मेरी कोई गलती नहीं, देन व्हाई शुड आई? अंश, उसे अपनी गलती का एहसास है। एहसास? उसे लगता है कि वो सही है, मैं गलत ही सही, पर मैं नहीं।